ठीक है। इसके बाद कुछ वन और टू मेथड्स आर लेफ्ट, तो वो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। इसमें एक मेथड ये है कि जिसमें दैट इज कॉल्ड गेटरमैन कॉस रिएक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ नेमिंग रिएक्शन, तो कई बार आ जाता है। तो नेक्स्ट है बाय गेटरमैन कॉस रिएक्शन। देखिए एक्चुअली गेटरमैन कॉस रिएक्शन के अंदर आप जो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं आप, और एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने के लिए एक सिंपल सी रिएक्शन है कि आप बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, आप बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन आप कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैटलिस्ट ध्यान रखें, कैटलिस्ट की फॉर्म में एनहाइड्रस AlCl3 काम में लेते हैं, या तो एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl2 काम में ले सकते हैं, और इसका जो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, थोड़ा एसिडिक मीडियम रखते हैं। तो अब इसमें देखो होगा क्या कि ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब यहां अटैक करता है तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास में CH है, हियर यू हैव CH। एक्चुअली तो हाइड्रोजन, ईच कार्बन कंटेन हाइड्रोजन, हर कार्बन के अंदर एक एक हाइड्रोजन है, बट यहां पर हम जो बात कर रहे हैं इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देयर इज वन हाइड्रोजन। व्हेन CO विल अटैक एंड इट विल कंबाइन विद इट, और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा यहाँ कार्बन के साथ में, एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस CHO। ठीक है, क्योंकि H इज ऑलरेडी देयर, इफ CO अटैक ऑन दैट सो इट विल फॉर्म CHO। तो अब बेंजीन के ऊपर अगर CHO जुड़ा है, दैट मीन्स बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा है, देन इट विल बी कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम ध्यान रखिए, बढ़िया रिएक्शन है। ओके इसके अलावा एक मेथड हो रहा है, अगर आपको एरोमेटिक कीटोन बनाना है, इससे हम केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। एरोमेटिक कीटोन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको ध्यान होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो चीजें कराते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं एसाइलेशन कराता हूं, ठीक है, किसका एसाइलेशन कराता हूं मैं, बेंजीन का, तो बेंजीन के ऊपर CO और CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सपोज वी हैव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहां एसाइलेशन लेते हैं, एसाइलेशन मतलब रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो यहां पर आपके पास ये बेंजीन है एंड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो आप ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आप देखिए हमने पढ़ा था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है। सो वी हैव दिस पार्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है तो यहां से एक हाइड्रोजन का रिमूवल करेगा, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर के इट विल फॉर्म HCl, और अगर इसे कंबाइन करते हैं देन इट विल फॉर्म COCH3 एंड HCl रिमूव हो ही गया। अब ये हमारे पास एक एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन इज व्हाई, बिकॉज इट हैज वन बेंजीन रिंग एंड CH3 ग्रुप, तो यहां पर इसे आप बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन इज अ एरोमेटिक, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, इट इज अ एरोमेटिक कीटोन, इसका मतलब ये कि हम एरोमेटिक कीटोन की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम ध्यान रखें, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं क्योंकि बोर्ड कम कवर हो रहा है हमारा। ओके नाउ इट्स ओके, यस इसको रफ कर रहे हैं। अच्छा वीडियो इज पॉज, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, इट्स ओके, कोई नहीं। Now I think it should be clear. Okay. हो जाता है कभी कभी। Okay. So by these reactions we can form aldehyde and ketone. Okay. One more reaction is that कि अगर आप aromatic cyanide जो होता है, benzene cyanide या cyanobenzene जिसको कहते हैं, उसको अगर आप Grignard reagent से reaction कराते हैं, it can also form aromatic aldehyde. ठीक है? तो यहां देख सकते हैं फ्रॉम या बाय
साइनो बेंजीन से बना सकते हैं रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा करके साइनो बेंजीन की, और यू कैन फॉर्म एरोमेटिक कीटोन। सो सपोज हियर वी हैव साइनो बेंजीन, ये हमारे पास एक साइनो बेंजीन है, साइनो बेंजीन। और अगर साइनो बेंजीन की रिएक्शन मैं कराता हूं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr, ओके, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड को शो कर देते हैं यहां पर, ओके। सो इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट अटैक ऑन इट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हैज टू पार्ट, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। सो मेटल पार्ट इज द पॉजिटिव पार्ट एंड कार्बन इज द नेगेटिव पार्ट। एंड हियर इफ यू सी, तो यहां पर देखो नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अगर यहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दो वैलेंसी फ्री होंगी यहां पर, ठीक है, जैसे यहां पर दो वैलेंसी फ्री होंगी। सो दिस पॉजिटिव पार्ट विल अटैक ऑन नाइट्रोजन एज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दिस नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन कार्बन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहां पर जब ये अटैक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से दे विल रिएक्ट विद लाइक दिस। अच्छा, ये ड्राई ईथर में होगी रिएक्शन, बेसिकली ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है वाली, इसको ड्राई ईथर में कराते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस तरह से देखो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन, देन यहां पर आपने CH3 को अटैच किया है, CH3 एंड देन NMGBr, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हुआ क्या है कि इस कार्बन पर CH3 ने अटैक किया है, नाइट्रोजन पर NGBr ने अटैक किया है। और अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसका आपने हमेशा पहले भी देखा है कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और जस्ट आफ्टर दैट इट गोज हाइड्रोलिसिस, तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर के साथ में इसके रिएक्शन कराते हैं। तो जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहां पर H2O NHOH, इस तरह से इसको हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पर जब ये रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ध्यान रखना, तो इसको ऐसे रिएक्ट कराया मैंने कि यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो आप देखेंगे जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास किस किस की फॉर्मेशन होगी, लेट्स सी। एक तो आपके पास यहां पर बेंजीन के ऊपर CH3CO बनेगा, ठीक है, एक ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक NH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास, और एक फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास MgBrNOH, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, अगेन एसीटोफिनोल, एसीटोफिनोल। तो एसीटोफिनोन जो है, फिनोन इज अ एरोमेटिक एल्डिहाइड, सॉरी एरोमेटिक कीटोन। तो ये आपके पास एरोमेटिक कीटोन है एसीटोफिनोन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहां पर इसकी फॉर्मेशन हुई है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आगे चले बेटा। तो इस तरह से ये हमारे पास मेथड्स हो गए हैं एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन के, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन के बाद, एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में देखिए केवल बिगनिंग वाला जो फर्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, इट विल बी फाउंड इन ए गैसियस स्टेट एंड रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड आर वेदर इन लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। अगर उसका मॉलिकुलर मास कम है तो आपको वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, और अगर मॉलिकुलर मास ज्यादा है तो आपको वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो इसमें ध्यान रखें कि जो फर्स्ट है HCHO, ठीक है, इट इज फाउंड इन गैस स्टेट, गैस स्टेट, ठीक है, स्टेट एंड रेस्ट रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है, ठीक है, आइदर आइदर लिक्विड और सॉलिड। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि लिक्विड तो क्या है, लो मॉलिकुलर मास वाले लिक्विड मिलेंगे, और हाई मॉलिकुलर मास वाले जो कंपाउंड मिलेंगे वो आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम कीटोन की बात करते हैं, कीटोन, तो कीटोन हमारा फर्स्ट जो होता है कीटोन, वो एसीटोन होता है। तो ध्यान रखना इसमें कहीं पर भी आपको गैसियस फॉर्म नहीं मिलती है, कीटोन
जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, लो मॉलिक्यूलर मास ठीक है, वो तो आपको मिलेंगे लिक्विड स्टेट में, और जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा या जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होगा दे विल बी फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, वो आपको सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट हम बात करते हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में से क्वेश्चन आ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास वाले अगर हम दूसरे कंपाउंड से कंपेयर करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ठीक है। तो आप ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दे आर ग्रेटर देन बीपी ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम होना चाहिए। फिर अगर मान लो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इनकी भी तो फिजिकल स्टेट चेंज होगी और इनका भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वालों से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द रीजन? एक्चुअली क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं हमारे पास में वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है ना, एक सेकेंड, वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन होता है। इसको यूं समझ सकते हैं हम कि डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन कैसे होगा, जैसे ये आपके पास एल्डिहाइड है सपोज CH3H, और ये आपके पास दूसरा एल्डिहाइड है CH3CHO। तो हमें पता है ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली दिस कार्बन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन तो हो गई ठीक है, देयर शुड बी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एंड नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। तो इस अट्रैक्शन को ही हम क्या कह रहे हैं, डाइपोल 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 इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन। और इस डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कीटोन के लिए भी यही आएगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। अब बात यह आती है कि अगर हमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को कंपेयर करना हो और आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हाउ कैन वी कंपेयर इट, लेट्स सी, देखते हैं। तो उस केस में आप ये देखें कि बीपी ऑफ कीटोन कीटोन इज ग्रेटर देन बीपी ऑफ एल्डिहाइड ठीक है, कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब इसको समझे कि यहां पर कीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है और ये आपके पास स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का ठीक है। अब अगर मैं यहां देखता हूं, आपसे पूछा जाए कि ज्यादा पोलैरिटी किसमें है, क्योंकि यहां बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बेटा ध्यान रखना पोलैरिटी से अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहां ज्यादा पोलैरिटी आप देख रहे हैं तो आपको किसकी देखने को मिलेगी, कीटोन की। रीजन है कि आप देखिए कीटोन में आपके पास यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ठीक है, और यहां पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी बात आपके पास में, क्योंकि अगर हम इसको भी छोड़े, हम इसको ऐसे लें कि इसका डाइपोल मोमेंट कहां लग रहा है, तो आप देखिए इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ अगर कंपेयर करें तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है। और CH3 ग्रुप जो है बेटा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल करता है, कार्बन की तरफ सेंड करता है, इसका भी डाइपोल मूवमेंट इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों का डाइपोल मूवमेंट ऐड हो रहा है ठीक है, दो CH3 का डाइपोल मूवमेंट ऐड हो रहा है, तो टोटल डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में जो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो यहां पर सब एक ही डायरेक्शन में है तो सब ऐड हो जाएंगे ठीक है। जबकि यहां देखा जाए तो इसका डाइपोल मोमेंट यहां लग रहा है, इसका यहां लग रहा है, लेकिन यहां तो डाइपोल मोमेंट बढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली जो डाइपोल मोमेंट ग्रेटर होगा वो किसका होगा, इसका होगा ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए मोर पोलर, दिस इज मोर पोलर, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है ठीक है, और ये जो है कंपेरेटिवली लेस पोलर, तो ये कम पोलर है, और इसी वजह से यही रीजन है कि हमारे पास जो ज्यादा पोलर होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, उसका
अट्रैक्शन फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो ज्यादा पोलर होने की वजह से ग्रेटर ग्रेटर डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, और इस वजह से यहां पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है इंट्रैक्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, ठीक है। आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर टू यू। एंड देन सी टू द नेक्स्ट। इसके बाद बात आती है सॉल्युबिलिटी के बारे में। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इन वाटर, तो अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बोथ बोथ एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन कीटोन आर सॉल्युबल, दोनों ही सॉल्युबल हैं। अब सॉल्युबल होने का रीजन क्या है, किस कारण से सॉल्युबल हो सकते हैं? तो रीजन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं वाटर के साथ। ध्यान रखना, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ, बट दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बनाते हैं? सपोज वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अनादर एल्डिहाइड, ऑक्सीजन कार्बन CH3 एंड H, सो हियर यू कैन सी दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपके पास ये एक एल्डिहाइड है, ये दूसरा एल्डिहाइड है, और दोनों एल्डिहाइड वाटर के साथ में क्या बना रहे हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एज दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर सो दैट्स वाई दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसे ही कीटोन हो जाएगा, इफ यू आर टेकिंग द कीटोन सो देयर विल बी CH3 हियर, तो या CH3 लगा देंगे तो कीटोन हो जाएगा, तो कीटोन इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये भी वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, दोनों को वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो घुल जाएंगे। सो इट वॉज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, सो आफ्टर सॉल्युबिलिटी द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन जो है दे शोज वेरियस मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी करते हैं और इसके अलावा रिडक्शन भी करते हैं, तो बहुत सारे रिएक्शन हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सो लेट्स सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, कीटोन। तो देखिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन पर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। फर्स्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक इंटरमीडिएट बनाता है, उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होता है बाद में वो अटैक करता है, बट अटैक स्टार्ट विद न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट हो रहा है अटैक, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगी, समझते हैं हम इस चीज को। इसको समझने से पहले एक बार हम एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको देख लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द ऑक्सीजन या विल शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे आप यू बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि
दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए हैं इसके ऑक्सीजन के, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग अटैकिंग साइट है। अगर न्यूक्लियोफाइल कोई आता है, न्यूक्लियोफाइल हमें पता है कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आयन होता है, तो इट इज द न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग साइट। और ये जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है जहां पर, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग साइट। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, किसका अटैक हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इस पर अटैक कराते हैं, तो अटैक कैसे होगा इस चीज को समझते हैं। एक्चुअली ये जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा अपने पास, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये प्लेनर होता है। ठीक है, एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में ऑक्सीजन भी होता है और उसी प्लेन में इसकी दो वैलेंसीज भी जनरेट होती हैं। तो इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे कार्बन और ये दो वैलेंसीज है और ये ऑक्सीजन है, सो दे ऑल आर इन अ सेम प्लेन। तो इस तरह से ये एक प्लेन मैंने बना दिया है। ठीक है, इस तरह से एक ही प्लेन में ये दो सारी चीजें होती हैं, फ्लैट होती हैं बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, सो एज वी नो दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द प्लेस वेयर देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेयर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, जैसा मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग साइट है। ठीक है, और कहां से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। ठीक है, अपसाइड से अटैक करेगा, और ये वाला जो पहला वाला हमारे पास स्टेप होता है, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, ये एक रिवर्सिबल स्टेप है और कंपेरेटिवली स्लो होता है। तो जब ऊपर से अटैक करेगा तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर ही जाकर के जुड़ेगा इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको बनाता हूं इस तरह से, तो देखिए किस तरह से कंबाइन होगा, लाइक दिस, ये हमारे पास कार्बन है, दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पर इसने अगर इस पर अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां इस परपेंडिकुलर यहां पर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है उसने कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर ली है और परपेंडिकुलर उसके ऊपर जुड़ गया है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसका यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव ने अटैक कर दिया और बॉन्ड बना लिया, बट ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज एज इट इज ही अभी है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसका शेप जो है वो देखो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको अपन। एक्चुअली ये कैसा है, इट इज टेट्राहेड्रल हेड्रल इंटरमीडिएट है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऐसे है कि इसका जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो जस्ट ऊपर की तरफ है और इसकी जो तीन वैलेंसी है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, रिपल्शन की वजह से अभी तो यहां इस तरह से दिख रही है, बट दे आर जस्ट डाउनवर्ड, थोड़ा सा डाउन नीचे की तरफ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, कि यहां पर अब ये वाला जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यानी इस पर अब पॉजिटिव जो है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के बाद में कोई भी अपने पास, जैसे मोस्टली न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर एच प्लस प्रेजेंट है तो उसके बाद वो एच प्लस इस पर अटैक करके और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर कोई एच प्लस है या कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और इसे इस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास यहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां एक वैलेंसी है, यहां एक वैलेंसी है और यहां पर आपके पास में OH आ जाएगा, तो ये आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये केवल एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है, अभी रिएक्शन हम शो करके दिखाएंगे कि रिएक्शन किस तरह से होगी, बट ये वाला स्टेप जो होता है कंपेरेटिवली फास्ट होता है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ ले कि जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो यहां पर क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन किसी का नहीं हुआ है। देखो आपको ध्यान होगा आपने हेलोजन डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर पढ़ा था, हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हेलोजन रिलीज हो जाता है, बट यहां आपने क्या देखा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ऐड हो गया। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर रहा है वो भी ऐड हो गया, दैट मीन यहां पर दोनों का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, अब इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और रिएक्टिविटी देखेंगे कि किसकी ज्यादा होगी किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। चलिए,
अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. लेट्स सी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी. तो अब एक चीज तो है कि देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक कर रहा है वहां पॉजिटिव चार्ज कितना है. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन. तो इसको दो फैक्टर जो होते हैं बेटा, इनकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. हम उन दोनों फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. देखिए फैक्टर पहला एक देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, ये वाला जो इफेक्ट है, इसका दूसरा नाम जो है क्या हो सकता है कि ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है खुद पर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट. ध्यान रखें, तो हम इसको प्लस आई इफेक्ट भी नाम दे सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट कैसे अफेक्ट करेगा रिएक्टिविटी को. अब जरा कंपेयर करें. देखिए एक तो है हमारे पास एल्डिहाइड, ओके, एक है आपके पास एसिटाल्डिहाइड, पहला फॉर्मेल्डिहाइड था, दूसरा एसिटाल्डिहाइड है, और एक मैं बना देता हूं कीटोन. दिस इज कीटोन. ठीक है, अब समझना मेरी बात को. देखिए पहला जो हम फॉर्मेल्डिहाइड कह रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में हमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं दिख रहा है जो कार्बन जो है, ठीक है, जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको कम करे या बढ़ाए, क्योंकि यहां पर ये दो ग्रुप है, ठीक है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो यहां पर इनका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर मैं बात करता हूं एसिटाल्डिहाइड की, तो एसिटाल्डिहाइड में जो CH3 ग्रुप है ना, दिस ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है, ये ग्रुप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है. और जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है कार्बन की तरफ. अब हमें पता है कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. क्योंकि हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, बट अगर यहां मैं CH3 को अटैच करता हूं तो CH3 विल डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा. दैट मीन अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो वहां ज्यादा अटैक करता है जहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलता है. इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं कीटोन के अंदर, सो इफ यू कंपेयर इट विद कीटोन, सो हियर यू कैन सी देर आर टू एल्काइल ग्रुप. तो यहां पर आपके पास में दो एल्काइल ग्रुप है, तो दो एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब और भी कम कर देंगे ये पॉजिटिव चार्ज को. ठीक है, तो हम ये एक सिंपल सा लॉजिक यहां पर बता सकते हैं क्या है, कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप को आप क्या कह रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है ना, इफेक्ट ग्रुप है ये ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं हमारे पास. ठीक है, ये ग्रुप जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा ये इंक्रीज होते जाएंगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती जाएगी. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ CO ग्रुप, ठीक है, CO ग्रुप के कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगी. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा. इसलिए हम कहेंगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो सिंपल से लॉजिक समझ में आ रहा है. आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वाई फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड, वाई एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन. ठीक है, तो अब हम इसको किस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप के बेस पर इसको अपन बता सकते हैं कि जितने ज्यादा CH3 ग्रुप अटैच होंगे उतनी ही रिएक्टिविटी को कम कर देंगे. और एक और बात, अगर मैं एल्काइल ग्रुप की साइज को बढ़ाता हूं तो उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी. जैसे अगर मान लो कीटोन में ये ले लेता हूं CH3 CH2 O CH2 CH3,
इसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली और कम होगी, क्योंकि ये वाले ग्रुप जो हमने जोड़े हैं यहाँ पर, ये मिथाइल के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े ग्रुप है, तो इनका इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो इनका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आई थिंक दिस रीजन इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके चलिए अब आगे चले, द नेक्स्ट रीजन ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के लिए दूसरा रीजन देखते हैं। ओके एंड द नेक्स्ट रीजन इज स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट को अगर हम समझते हैं तो देखिए, आपके पास ये है फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन एंड दिस इज कीटोन ऑफ हायर मॉलिकुलर मास, CH2CO, CH2 एंड CH3। ओके सो लेट्स कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है। एक्चुअली वी नो दैट इन दिस रिएक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सो वी नो दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज। ओके तो अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आपको देखना है कि कितना ऑब्स्टिकल फील करेगा, ठीक है, हाउ मच ऑब्स्टिकल विल बी देयर फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जितना ज्यादा ऑब्स्टिकल होगा हम उसको बोलेंगे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक का मतलब हो गया इन स्पेस और हिंड्रेंस मीन्स हो गया ऑब्स्टिकल। तो अगर स्पेस में कोई अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो उसको कितना ऑब्स्टिकल फील करना पड़ेगा, कितनी रुकावट आएगी उसके अटैक करने में, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि साइज एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइज भी बढ़ रहा है और नंबर भी बढ़ रहे हैं। देयर हियर देयर इज नो एल्काइल ग्रुप, देयर इज वन एल्काइल ग्रुप, देयर इज दो एल्काइल, टू एल्काइल ग्रुप एंड हियर वी हैव टू बिगर एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा रुकावट आएगी, ठीक है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम है और वहां और भी कम हो गया, तो हम यहां कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इट इज डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस इज इंक्रीजिंग, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के अटैक की अगर हम बात करते हैं इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रुकावट ज्यादा होगी तो अटैक कम हो पाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ही तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है, कि न्यूक्लियोफाइल जितना फास्ट अटैक करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर कम अटैक हो रहा है इसका मतलब रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। तो ऑर्डर वही है बट द रीजन इज डिफरेंट, ठीक है, तो बाय टू रीजंस यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाई कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, व्हाई एसिटाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, व्हाई ग्रेटर कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन लोअर कीटोन, ठीक है, तो इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पूरा एक साथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये हमेशा ऐसे पूछा जाता है कि दो को कंपेयर कर लेंगे आपसे और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, तो उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके आई थिंक टाइम भी और हो गया तो पता ही नहीं चला टाइम कब और हुआ। ओके सो नो प्रॉब्लम,